हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको चपाती के 10 गजब फायदे बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, देखें, ये चपाती जो है, हम डो को मतलब आटे को सान के इसमें एक ऐसी चीज़ मिलाते हैं जिससे B12 इसमें उत्पन्न होता है। उसके लिए हम जो है इसे आटे को सान कर 1 घंटे छोड़ देते हैं, इसमें B12 उत्पन्न हो जाता है। B12 ऐसी विटामिन है जो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बॉडी में नसों के ताकत देने के साथ साथ बॉडी में जो पेन होता है, हड्डियों में जो शिकायत होती है, हार्ट को जो प्रॉब्लम होता है, वो सब कवर करता है। ये 10 फायदे हम आपको बताएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ कैसे कैसे मिलाना है हम आपको लास्ट में बने रहिए सब मिलाकर बताएंगे। आप देखें, ये इम्यूनिटी को भी बहुत स्ट्रांग करता है। हमारे जो भाई अपने मांस इसके साथ अपने जो ये व्यंजन लेते हैं, जो लोग शाकाहारी हैं, उनको शाकाहारी में कैसे B12 मिलेगा, उन्हें इसमें हम आज बताने जा रहे हैं। मांसाहारी लोगों को तो मांस में जो है विटामिन 12 मिल जाता है, लेकिन शाकाहारी के लोगों को B12 नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो है B12 की कमी होने के कारण तमाम तकलीफ़ें बॉडी में उत्पन्न होती हैं। तो ये देखें, ये चपाती 1 घंटा जो है, ये गजब की चीज़ें मिला के इसमें रखी है। जो एक गजब की चीज़ है वो हम बताएंगे कि कैसे जो है इसमें मिलाएंगे। अभी हम चपाती बना के आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। चपाती एक ऐसी चीज़ है जो कि हम आप दोनों टाइम इसका इस्तेमाल करते हैं भोजन में, ईंधन के रूप में, बॉडी में ईंधन पहुँचाता है ये। तो आप ये 2 टाइम नहीं भी लेते हैं तो इसे 1 टाइम लें, 1 टाइम लेंगे तब भी ये विटामिन 12 की कमी को पूरा करेगा। विटामिन 12 बराबर चाहिए। तो इसमें हमने जो चीज़ें मिलाई हैं उसमें ये कैल्शियम के साथ साथ विटामिन 12 और साथ में जो है आपके सेलेनियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी सब इससे प्राप्त होगा। कैसे कैसे जो है शुगर के पेशेंट को कैसे लेना है और कैसे जो है ये बॉडी में आपके कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करेगा, कैसे जो है मोटापा दूर करेगा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करेगा, यह सब हम आपको ये तैयार हो जाने के बाद बताते हैं। उसको पलटिए और ये देखिए, अब पलट दिया। जैसे चपाती बनाते हैं आम जो है वो ऐसे ही बनाएंगे, एक तरफ थोड़ा नरम रहेगा, दूसरी तरफ चित्तीदार, बहुत जल्दी ये जो है फूल जाता है। अब देखिए, ये फूलने लगा तवे पे ही, इसमें विटामिन B12 जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही ये जल्दी एकदम तैयार होता है। इसको फुलाइए, अब ये तैयार हो गया। ये देखिए तवे पर ही फूलने लगा। अब इसको चिमटे से जो है ज़रा सा सहारा दिया मैडम ने तो ये अपना जो है एकदम विटामिन 12, भरपूर विटामिन 12, जो आपको हम अभी इसका जब आटा तैयार करेंगे तब हम आप बताएंगे। अभी चपाती तैयार हो रही है, चपाती आप देख लें, एक चपाती तैयार हुई, दूसरी जो है ये बेल के तैयार रखे हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही जल्दी, जैसे तैयार हो रहा है जल्दी, वैसे ही आपके बॉडी में आधे घंटे में ये B12 पहुँचा देता है। और आप बराबर इसको लेना है 1 टाइम। तो ये आप देखें, अब उसको पलटिए, ज़्यादा देर मत रखिए ऐसे। ये देखिए पलट दिए तुरंत। चपाती का यही नियम है जिस नियम से आप लोग बनाते हैं। सभी हमारी जो माता बहनें हैं वो फ्रेंड्स सब बनाना जानते हैं, तो ये आपसे ही हम लोगों ने सीखा है, कोई नई चीज़ नहीं है, करने से सब कुछ आ जाता है। ये देखिए दूसरी चपाती भी अब तुरंत फूल जाएगी। इसको देखिए, चपाती जो है सिक जानी चाहिए, मेन जो है हल्का लाल रहे, जल भी जाए तो बुरी बात नहीं है, कच्चा रहने पे ये हजम होने में दिक्कत करता है। तो अग्नि दीपक को ये बढ़ाता है B12 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये भी फूल गया, एकदम बढ़िया फूल गया। अब ये देखिए आपको जो है तैयार दिख गया। अब इसको बंद कर दीजिए। अब हम बढ़िया सीख गए। देखिए अब हम आते हैं कैसे जो है ये आटे को तैयार करेंगे, ये हम अब आपको
दिखाने और बताने जा रहे हैं। ये देखें, ये एक लोई भर का है कि दो लोई का आटा? एक लोई का आटा है ये। तो इसमें अभी नहीं डालिए, इसमें अभी वो देखें, ये जो शुगर के जो है पेशेंट हैं वो गेहूं का आटा ना लेकर ये मल्टी जो आटा आजकल चल रहा है जिसमें तीन चार तरीके के जो है आटे मिले रहते हैं, जैसे जौ है, गेहूं है, चना है, और इस मल्टी ग्रेट आटा उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसमें जो कर्ड डालेंगे, ये हमारे हाथ में देखें कर्ड है, ये कर्ड जो डालेंगे वो दो बार मलाई निकाला हुआ होगा, मतलब लो फैट का होगा। और ये देखें लहसुन जो है ये एक कली वाला होगा, ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये छिल के जो है दो कली ये लहसुन रखा हुआ है, ये पानी में डाल के रखा हुआ है। पानी में डालने से इसका जो एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है ये समाप्त हो जाएगा और स्मेल भी इसमें नहीं आएगी, ये ठंडा हो जाता है। इसको जो है हम अब इसको कूट के इसमें मिलाएंगे, बारी बारी से देखिए आपको मिलाएंगे। तो ये जो है शुगर के लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसको जो है हम सानेंगे और सान के एक घंटा छोड़ेंगे, एक घंटे में ये B12 उसमें उत्पन्न हो जाएगा। और साथ ही जो है ये कर्ड होने से इसमें अच्छी तरह जो है कैल्शियम, प्रोटीन ये सारी मात्रा में आपको प्राप्त होता है। दूसरा, ये हार्ट के पेशेंटों के लिए भी आपको बहुत ही लाभप्रद है। इसे शाम के आधा घंटा छोड़ दें, B12 इसमें उत्पन्न हो जाएगा। इसे जो है आप इसमें एक टाइम चपाती लें। और तीसरा जो है, नस नाड़ी में कड़ापन, हाथ पैर में जो कंपन होता है उसमें भी इस आटे की चपाती का आप इस्तेमाल करें, आपको लाभप्रद होगा। चौथा, जिनकी गठिया की शिकायत है वह भी इसे इस्तेमाल करें, वो गठिया में लाभप्रद होगा। पांचवा, जो लोग मानसिक कमजोरियों से परेशान हैं, कुछ याद नहीं रहता, कोई भी बातें तुरंत भूल जाते हैं और वह ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल करें, वह भी जो है इसे फ़ायदा पहुंचाएगा। इसमें देखें आप, ब्लड में सफ़ेद रक्त कण जो है उसमें ये बहुत ही सहायक होता है। सफ़ेद रक्त कण जो मस्तिष्क को जो है पावर पहुंचाते हैं, वो जो है ये बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं ये B12 से। और देखें, इसमें लहसुन में जो है मैग्नीशियम, सिलेनियम और विटामिन सी अधिक मात्रा में है। इसकी वजह से आपको बताते चलें कि जो लोग आपके हार्ट के पेशेंट हैं उनको भी लाभप्रद करता है, साथ ही में कोलेस्ट्रॉल जो अधिकता है उसको समाप्त करता है और आपके मोटापा को दूर करता है। सातवां, आपको बताते हैं कि जिनको भूख कम लगता है उनका कब्ज दूर करके यह जो है हाजमा सुंदर करता है। और वह लोग इसका इस्तेमाल करें जो लोग हमेशा हड्डी के दर्द व मसल्स के दर्द से परेशान रह के बराबर पेन किलर की दवा लेते हैं, वह लोग भी इसे इस्तेमाल करें और ये बराबर आपके जो है ये शरीर के दर्द को जो है दर्द का निवारण करेगा और आप पेन किलर लेना छोड़ देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में भी ये लाभप्रद है। आप नमक लेना कम कर दें, जिनका लो ब्लड प्रेशर है वह हल्का इसमें नमक मिला सकते हैं। सबसे उपयोगी देखिए आपको बताएं, इसमें जो इम्यूनिटी जिनकी जो है कमज़ोर है, उनको बराबर जो है एलर्जी हो जाती है, सर्दी खांसी और अस्थमा की शिकायत हो जाती है, वह इसमें हल्का अजवाइन और मंगरेला जो है थोड़ा थोड़ा अपने स्वादानुसार मिलाकर लें, वह अस्थमा, सर्दी खांसी, एलर्जी में यह फ़ायदा करेगा। यह देखिए आपको अजवाइन मंगरेला है, मंगरेला इसमें डालेंगे, ये इम्यूनिटी स्ट्रांग करने वाली है। आप इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा जिससे आपको एलर्जी, सर्दी खांसी, अस्थमा नहीं होगा। देखिए एक और जो है अंतिम आपको बता दें, दसवां, जिन लोगों को नपुंसकता की शिकायत है, आपको तंग करता है, बाल बच्चे नहीं हैं,
और ये खासकर पुरुषों में और महिलाओं में भी जो है लाभप्रद है। वो इसको दो टाइम लें, थोड़ा इसमें जो है एक कली और जो है लहसुन बढ़ा सकते हैं, वो उनके लिए जो है ये काफ़ी कारगर है। आपके जो है महिला हो पुरुष हो दोनों के लिए जो है नपुंसकता में जो है ये लाभप्रद है। इसको बस यही करना है आपको कि एक घंटे जो है अब ये तैयार हो जाए तो छोड़ देना है। आपको थोड़ा देर से बनाना है तो इसको टाइट साने, और जल्दी बनाना है तो थोड़ा ढीला साने, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे ये जो है ढीला होते जाता है। तो हमने दिखाया आपको कि ये जो लहसुन लेना है वो एक कली वाली लहसुन रहेगी, जो दवा के रूप में काम में आता है, वो हर जगह नहीं मिलता और उसको जो है ढूंढना पड़ता है, या तो जहाँ मसाले वसाले मिलते हैं वहाँ मिल जाएंगे। आपको उसको लेके रखना होगा, एक कली का लहसुन तमाम रोगों में फ़ायदा होता है। इसको देखिए ढक के रखेंगे कि सूखे नहीं, कपड़े से देखिए ढक दिया, ये एक घंटे छोड़ देंगे, इसमें विटामिन B12 डेवलप हो जाएगा। विटामिन B12 जो है शाकाहारी रोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो नस नाड़ी और शरीर के जो है व्याधियों में बहुत ही आवश्यक है। तो ये हमने दिखाया आपके 10 गजब के फायदे चपाती से। तो अब हम आपको ये चपाती बना हुआ तैयार दिखा रहे हैं, ये देखिए बनी हुई चपाती है। अब आप इसका इस्तेमाल करें, हमारे साथ जी में बैठें। हम लोग इसका एक टाइम अवश्य ही इस्तेमाल करते हैं, और आप भी इसका इस्तेमाल करें। आप इतने देर वीडियो में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, हमारे हौसले को बुलंद करें। हम हमेशा आपके साथ बने रहें, इसी आशा के साथ हम आपको धन्यवाद नमस्कार करते हैं।